10 मई 1981 को बिहार सरकार की अधिसूचना के तहत एक जिले के रूप में सामने आया। यह शहर इससे पहले एक उपमंडल के रूप में मुंगेर जिला का एक हिस्सा हुआ करता था। खगड़िया को एक अलग उपमंडल के रूप में इसलिए बनाया गया क्योंकि संचार के आसान साधनों की कमी की यह भरपाई किया करता था। बाढ़ की पुनरावृत्ति इस जिले के लिए एक वार्षिक मामला बन गया था क्योंकि 5 प्रमुख नदियां जिसमें गंगा, गंडक, बागमती, कमला और कोसी शामिल हैं, खगड़िया उपमंडल के क्षेत्र से ही होकर गुजरती थी। बिहार के हर जिले की तरह खगड़िया का भी अपना इतिहास है जो कि काफी गौरवान्वित करने वाला है। खगड़िया जब जिले के रूप में सामने आया तो इसके पास एक दहनाल था जो गंगा, गंडक, कमला, बागमती और कोसी की बाढ़ से प्रभावित हुआ करता था, जो इसकी भौतिक स्थिति के कारण यहाँ लगभग सारे ऐतिहासिक स्थल विलीन होते चले गए। इस भाग में प्रचलित इतिहास के अनुसार ऐसा कहा जाता है, अकबर के समय राजा टोडरमल को इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन जब वह ऐसा करने में असफल रहे तो उन्होंने सलाह दी कि इस क्षेत्र को बाहर रखा जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इस क्षेत्र का नाम दिया फरक किया और बाद में इसे फरकिया परगना के नाम से जाना जाने लगा। यह क्षेत्र जो पुराने जिले मुंगेर में शामिल था, पहले आर्य निवासियों के मध्य देश के रूप में प्रचलित था जिसे मिडलैंड कहा जाता है। इसकी पहचान महाभारत में वर्णित मोदागिरी नामक स्थान से की गई है जो पूर्वी भारत में वंगा और ताम्रलिप्ता के पास एक राज्य की राजधानी थी। इतिहास की शुरुआत में यह क्षेत्र स्पष्ट रूप से अंग साम्राज्य के अंतर्गत शामिल था जिसकी राजधानी भागलपुर के आसपास हुआ करती थी। अंग में भागलपुर और मुंगेर आधुनिक जिले शामिल हुआ करते थे और इसमें कोसी नदी का उत्तरी वार्ड भी शामिल था जिसमें पूर्णिया का पश्चिमी भाग भी शामिल हुआ करता था। राहुल संकृत्यायन ने बुद्ध चर्चा में उल्लेख किया है कि गंगा के उत्तर में स्थित क्षेत्र अंगत राप के नाम से जाना जाता था। पुराने मुंगेर जिले का पहला ऐतिहासिक विवरण ह्वेन सियांग की यात्राओं में भी मिलता है। उन्होंने 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के अंत में इसके कुछ हिस्सों का दौरा किया। इसके बाद जिले के इतिहास में एक अंतराल आता है जहां 9वीं शताब्दी में ये पाल राजाओं के अधीन चला गया। पाल काल का इतिहास मुख्यतः शिलालेखों से ज्ञात होता है, हालांकि यह सच है कि ह्वेन सियांग के वृतांत और पाल शिलालेखों पे उकेरी गई कृतियों के माध्यम से मुंगेर जिले के दक्षिणी भाग को कवर करते हैं। भारत में मुस्लिम शासन के आगमन के बाद यह पूरा क्षेत्र मुस्लिम शासन के अंतराल से गुजरा। 1926 के मुंगेर जिला के राजपत्र में इसे मुंगेर उपखंड का नाम दिया गया जो फरकिया परगना से निकलकर सामने आया। 2010 में बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, वो इस जिले में आए और अलौली प्रखंड के अंतर्गत गुलररिया मुसहरी गांव गए और उन्होंने वहां गांव की स्थिति को देखकर उस गांव को गोद ले लिया। इस जिले में कोसी के तट पर स्थित मां कात्यायनी का मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। यह 52 शक्ति पीठों में से एक है। यहां मां सती का दाहिना हाथ गिरा था जिसका प्रमाण हमें स्कंद पुराण से मिलता है। मंदिर में सोमवार और शुक्रवार को खास रूप से पूजा की जाती है। यहां दूध और दही का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसके अलावा यहाँ की कुछ प्रमुख स्थलों में से 52 कोठरी 53 द्वार वाला ऐतिहासिक इमारत है, लेकिन ये इमारत सरकार की लापरवाही की वजह से धीरे धीरे विलीन होने के कगार पे पहुंच चुका है। यह स्थान 5 बीघा 5 कट्ठा और 5 धूर की जमीन में फैला हुआ है। 52 कमरा और 53 दरवाजा होने के कारण इसकी खास पहचान है, लेकिन अभी यह स्थान जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस इमारत में 51 प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था जिसमें माचिस आकार की ईंटें भी शामिल थी। इस महल की सुरंग की भी अपनी पहचान थी जो आज जमींदोज हो चुकी है। इस ऐतिहासिक किले नुमा महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के सोलंकी वंश के राजा बैरम सिंह ने किया था। इस इमारत की तुलना जयपुर के हवा महल से भी की जाती है।
चमत्कारी मंडप के चारों खंभे पर चोट करने पर अलग अलग तरह की मनमोहक आवाज सुनाई देती है जो अभी भी लोग महसूस कर सकते हैं। महल के प्रांगण में रानी के लिए स्नान करने का तालाब, महल से मंदिर तक जाने के लिए सुरंग, दीवारों पर की गई सुंदर चित्रकारी और अद्वितीय नक्काशी इस महल को भूल भुलैया का आकार देती है। कभी यह इलाका भव्यता शानो शौकत का प्रतीक हुआ करता था, आज यह 52 कोठरी की हवेली जर्जर होकर अपने भव्य अतीत को याद कर स्याह वर्तमान पर आंसू बहाने को विवश है। जबकि आम और खास सभी की इसमें रुचि है, स्थानीय लोग चाहते हैं कि इस इलाके को संरक्षित किया जाए। इसके अलावा 1910 में स्थापित श्यामलाल नेशनल हाई स्कूल का नाम श्री श्यामलाल जी के नाम पे रखा गया, जिन्होंने इस विद्यालय के लिए जमीन दी थी। विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आजादी के आंदोलन में यहाँ के अनेक वीर क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर रणनीति बनाई और गुप्त स्थान पर रहकर अपने कार्य को अंजाम दिया। 6 जून 1981 को देश की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल दुर्घटना खगड़िया जिले में हुई थी। बिहार में हुआ ये रेल हादसा इतना भयानक था कि इतिहास के पन्नों में उसे भारत के लिए काला दिन कहा गया। भारतीय रेल के 170 साल पुराने इतिहास में रेल हादसे के तौर पर इस घटना को काले धब्बे की तरह देखा जाता है, जिसे चाह कर भी नहीं भुलाया जा सकता। मानसी से सहरसा की ओर जा रही थी एक पैसेंजर ट्रेन 416 डाउन बागमती नदी पर बने पुल संख्या 51 से होकर गुजर रही थी, लेकिन अचानक से मौसम का मिजाज बदला, तेज आंधी और बारिश होने लगी। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और ट्रेन की 9 में से 7 बोगियां फिसलकर पुल तोड़ते हुए लबालब नदी में विलीन हो गई। आसपास के लोगों की माने तो इस दुर्घटना में तकरीबन 800 लोगों की मौत हुई, लेकिन उन्हें केवल 286 शव ही बरामद हुए। कईयों का तो पता ना चल सका। इस दुर्घटना के पीछे कई कारण और अनकही बातें कही गई जो बाद में अलग अलग बातों के रूप में सामने आई। इस विषय पर एक अलग से एपिसोड बनाने की आवश्यकता होगी, जिसे हम बाद में बनाएंगे। यह जिला, जैसा कि पहले भी हमने बताया, 7 नदियों से घिरा हुआ है जो अपने आप में खास है। इस जिले में शामिल जलोढ़ मैदान का मुख्य हिस्सा वर्तमान में मुख्य रूप से एक तस्तरी के आकार का अवसाद है, जिसका केंद्र बारिश के दौरान नदियों के अति प्रवाह से जल मग्न हो जाता है और वर्ष भर दलदली गड्ढों से भरा हुआ रहता है। तटबंधों के निर्माण के बाद बाढ़ में जरूर कमी आई है, लेकिन अभी भी जिले के बड़ा हिस्सा, पश्चिम में गोंगड़ी महेशखूट सहरसा रोड, उत्तर में कोसी और दक्षिण में गंगा, पूरी तरह से जलमग्न है। राष्ट्रीय राजमार्ग और नई दिल्ली गुवाहाटी रेलवे लाइन को छोड़कर अधिकांश हिस्सा बाढ़ का दंश सहती हैं। गंगा अपनी पूरी लंबाई में जिले की दक्षिणी सीमा से बहती है। इस नदी में गंभीर परिवर्तन की प्रवृत्ति है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी किनारे पर दियारा भूमि का एक विशाल भूभाग बन गया है। बूढ़ी गंडक बेगूसराय जिले से होकर जिग जैग मार्ग से होकर गुजरती है और खगड़िया शहर के किनारे से बहती हुई गंगा में शामिल हो जाती है। पूरे जिले में कोई पहाड़ नहीं है और इस जिले में कोई खनिज भी नहीं पाया जाता। जहां तक भूमि उपयोग पैटर्न का सवाल है, जिले में गेहूं प्रमुख रबी फसल है। बाढ़ और जल जमाव के कारण जिले के दक्षिणी भाग को छोड़कर धान का उत्पादन बहुत कम है। लगभग पूरे जिले में मक्का प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है, जबकि नकदी फसल के रूप में केले की खेती पिछले 2 दशकों में प्रमुखता से बढ़ी है। केले की खेती अधिकतर चौथम, गोगड़ी और पर्वत्ता प्रखंड में की जाती है। इसके अलावा आम और लीची इस क्षेत्र में वृहत रूप में उगाई जाती है और यहाँ के आम और लीची पूरी दुनिया में भेजी जाती है। खगड़िया रेलवे और सड़कों के माध्यम से बिहार के अन्य जिले और देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली गुवाहाटी रेलवे लाइन खगड़िया से होकर गुजरती है। अन्य प्रमुख स्टेशन जैसे कि मानसी, महेशखूट और पसराहा इसी जिले में हैं। मानसी से एक ब्रांच लाइन सहरसा की ओर जाती है, जबकि खगड़िया से एक लाइन समस्तीपुर की ओर जाती है। ये दोनों शाखा लाइनें अभी मीटर गेज में हैं। नेशनल हाईवे के अलावा जिले के अन्य सड़कों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। अत्यधिक बारिश और जलजमाव के साथ खराब रखरखाव के कारण सड़कों की अवस्था हमेशा जर्जर ही देखी जाती है।
जिले में व्यापार और वाणिज्य ही एकमात्र गैर कृषि आर्थिक गतिविधि है। खगड़िया और गोगड़ी जमालपुर दो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हैं। खगड़िया घी बनाने के लिए बेहद प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में दुधारू मवेशियों की प्रचुरता के कारण दूध और दूध से बने उत्पाद विशेषकर घी की बिक्री बेहद महत्वपूर्ण है। यह इस क्षेत्र का पारंपरिक व्यवसाय रहा है। 1960 के गजट में भी कहा गया था कि खगड़िया जिले में एकमात्र लघु उद्योग जिसने लोगों के बीच अच्छा नाम कमाया है वह घी बनाना है, जो इस उपखंड में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस जिले की अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त पूंजी डालने का यह एक बहुत ही व्यवहारिक साधन हो सकता है और यह विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसानों के लिए फायदेमंद भी रहता है। ऐसे ही अनगिनत विशेषताओं से भरा हुआ है यह जिला खगड़िया। आने वाले दिनों में और भी एक जिले की कहानी लेकर उपस्थित होगा। मैं बिहार हूँ।